आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। बुकारो के रिहायशी इलाके में गुड़िया बम से दहशत। दूसरी खबर, कोल माइंस के ऑनलाइन नीलामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। तीसरी खबर, सीएम हेमंत ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर लाई गई रोजगार योजना, कोल ब्लॉक नीलामी का निर्णय भी हड़बड़ी में लिया गया। चौथी खबर, मारे गए साथियों का बदला लेंगे नक्सली, चाईबासा में पोस्टर साट कर पुलिस को दी धमकी। पांचवी खबर, 350 साल के इतिहास में पहली बार रांची में नहीं निकलेगी भगवान जगन्नाथ की यात्रा। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के एक शॉपिंग सेंटर के पास रिहायशी इलाके में गुड़िया बम फेंकी हुई मिली, इससे लोगों में दहशत है। बच्चों की खेलने वाली गुड़िया में जिलेटिन बम डाला हुआ था। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से खिलौने के अंदर जिलेटिन बम प्लांट कर एक घर के बाहर रखा गया था। इसे 12 ए शॉपिंग सेंटर के पास रहने वाले विजय कुमार डे नाम के व्यक्ति के घर के लॉन में फेंका गया था। घर के ही एक बच्चे की नज़र खेलने के दौरान इस गुड़िया पर पड़ी, जिसे वह घर के अंदर ले आया। उसके परिजनों ने पूछा कि यह खिलौना कहां से आया, तो बच्चे ने बताया कि बाहर लॉन में पड़ा था। इसके बाद परिजनों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने गुड़िया बाहर फेंक दी और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आकर जब जांच की तो खिलौने के अंदर बम दिखा। फिर राजधानी रांची से बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया। लगभग 3 घंटे बाद बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा और बम को डिफ्यूज किया। बताया जा रहा है कि किसी बड़ी साजिश के तहत विनय कुमार डे के घर में खिलौने में जिलेटिन बम प्लांट करके फेंका गया था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इधर क्षेत्र में बम मिलने से पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं। सेक्टर 12 के थाना प्रभारी ने बताया कि किसने बम घर में फेंका और किस वजह से फेंका गया, इसकी जांच चल रही है। उन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कोयले के ऑनलाइन नीलामी का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के खिलाफ शनिवार को झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीते गुरुवार को ही निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल माइनिंग की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत करते हुए बताया था कि किस तरह से कोयला खनन से देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस नीलामी पर रोक लगाने की मांग की है। सोरेन सरकार ने कहा कि कोरोना काल के चलते खदानों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इन खदानों के व्यवसायिक खनन से आदिवासियों की जिंदगी भी प्रभावित होगी। झारखंड सरकार ने कहा कि कोयला खनन की मंजूरी देने से पहले वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का निष्पक्ष मूल्यांकन करना जरूरी है, क्योंकि खनन से राज्य की बड़ी आबादी और पर्यावरण पर असर पड़ना तय है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 जून को कोल ब्लॉक के ऑनलाइन प्रक्रिया ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए शुरू की थी। इसमें कई कोल ब्लॉक झारखंड में ही हैं। नीलामी में विदेशी कंपनियों को भी भाग लेने की मंजूरी दी गई है और 100% विदेशी निवेश को छूट है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुझे तो यही लगता है कि बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर इस योजना का बिगुल फूंका गया है। मुख्यमंत्री शनिवार को प्रोजेक्ट भवन से निकलते हुए पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही झारखंड में यह काम शुरू कर दिया है, बड़े पैमाने पर लोग काम में जुड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने तो झारखंड के 3 जिलों को ही इस योजना में लिया है, हम तो पूरे राज्य में कर रहे हैं। अभी लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को काम मिल रहा है। मनरेगा में 10 लाख से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा कोल ब्लॉक ऑक्शन किया गया है, यह हड़बड़ी वाला फैसला लगता है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था कि कोल ब्लॉक की नीलामी पर जल्दबाजी न की जाए। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र के मजदूरों की परेशानी लगातार बनी हुई है, साथ ही विस्थापन की भी समस्या है। केंद्र सरकार को कोल ब्लॉक नीलामी पर राज्य सरकार से राय लेकर ही कुछ निर्णय लेना चाहिए। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कोल ब्लॉक की नीलामी का निर्णय लिया है, इससे साफ प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार विदेशी निवेश और देश के बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। नक्सलियों ने पुलिस को धमकी दी है कि वह मारे गए साथियों का बदला लेंगे। नक्सलियों ने चाईबासा के गोलकेरा में कई जगहों पर पोस्टर साट कर पुलिस को चुनौती दी है। कुइडा गांव के चौक, बिरसा मुंडा स्मारक और इसके आसपास के क्षेत्र में भाकपा माओवादियों ने पोस्टर साटे हैं।
सूचना मिलने पर पुलिस ने शनिवार को सभी पोस्टरों को जब्त कर लिया। नक्सलियों ने पोस्टर के जरिए पिछले दिनों मारे गए साथियों का बदला लेने की बात कही है। पोस्टर साटे जाने के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पोस्टर में शांति, प्रियंका और सुजाता के अधूरे सपने को साकार करने के लिए जनयुद्ध को तेज करने की बात भी लिखी है। बताते चलें कि भाकपा माओवादियों की गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए राज्य की सीमाओं पर पुलिस संयुक्त अभियान चला रही है। इधर भाकपा माओवादियों की सक्रियता भी बढ़ी है। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। कोविड संक्रमण के इस वैश्विक दौर में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत एवं सुप्रीम कोर्ट के पूरी की रथ यात्रा संबंधी आदेश के आलोक में रांची में भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं निकलेगी। इस बार भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी, भगवान मौसी घर नहीं जाएंगे। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के प्रतिनिधिमंडल की एसडीओ के साथ हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। तय किया गया कि जगन्नाथपुरी की भांति इस वर्ष यहां भी रथ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। जगन्नाथपुरी की तरह जगन्नाथ स्वामी की पूजा अर्चना की जाएगी। झारखंड के सांस्कृतिक धरोहर में बड़कागढ़ के जगन्नाथपुर मंदिर में आगामी 23 जून को रथ यात्रा निकलनी थी। बता दें कि इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन नहीं हो पा रहा है। पुरोहित से विमर्श कर पूजा के कार्यक्रम न्यूनतम उपस्थिति में संपन्न कराए जाएंगे। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।